हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज आप लोगों को देखेंगे, देखिए मेरे पास एक तो काम है ओप्पो का मॉडल ओप्पो K10 5G। इसको देखिए डिस्प्ले फुल डैमेज है, डिस्प्ले तो इसको चेंजिंग है, वीडियो आप लोग साथ शेयर करेंगे और डिस्प्ले का प्राइस कितना आएगा इसके साथ साथ आपको देखिए जो मॉडल देगा ना, तो इस पर देखिए मॉडल थोड़ा सा बैंड हो गया। इसको देखिए जो मिडिल फ्रेम है थोड़ा सा बैंड है, लेकिन इसको मिडिल फ्रेम में चेंज नहीं करेंगे, मिडिल फ्रेम सीधा करेंगे, उसके बाद फिर नया वाला जो कॉम्बो है उसको सेट करेंगे। तो नया वाला कॉम्बो कौन सा यहाँ पर सेट कर रहे हैं, कैसे प्राइस है, कैसे सेट होने के बाद कैसे लग रहा है, कैसे ऑन हो रहा है, आप लोगों को डिटेल्स में आज दिखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, तो लास्ट तक चले मैं आप लोगों को वीडियो को स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो इसको यहाँ पे देखिए क्राउन कंपनी का क्राउन इलीट 4.0, ये जो भाषण बोले डिस्प्ले का इलीट 4.0, इसमें देखिए डिस्प्ले आपका 3.0 भी मिल सकता है, 2.0 भी मिल सकता है, लेकिन आपका ये जो इलीट 4.0 है जो ऐसे ब्लैक कलर का आता है, पैकेट आता है क्राउन कंपनी का, देखिए मार्केट में बहुत सारी वर्सन आया है, ठीक है, कॉपी भी आया है इसको क्राउन कंपनी के लिए, ओजी क्राउन है 4.0 इलीट वर्सन, ये आप लोग इसको देख के लीजिएगा, ठीक है, इलीट वर्सन 4.0। तो इसमें देखिए मैंने आप लोग डिस्प्ले को सेट करेंगे, उसके बाद फिर आप लोग को ऑन करके भी दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप लोग को बैक ग्लास ओपन करना पड़ेगा। मॉडल है K10 5G, ठीक है, K10 ओप्पो का मॉडल है K10। तो इसको देखिए मैंने आराम से बैक ग्लास को ओपन किया, तो अभी यहाँ पे एक चीज़ देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये देख कैमरा का लुकिंग देखिए, बैक ग्लास के साथ कैमरा का लुकिंग देखिए, और कैमरा का लुकिंग ऐसे इतना खोलने के बाद देखिए, ये देखिए, ठीक है। तो ऐसे होता है अंदर का बात हम लोग को पता है, मोबाइल खोलते हैं रिपेयरिंग करते हैं तो हम लोग को पता है अंदर में क्या होता है, ऊपर में लुकिंग तो बहुत बड़े बड़े आता है कंपनी का जो मॉडल बनाते हैं। तो चलिए कोई बनी ऐसे ऐसी कोई बात नहीं, पहले दस अंदर ही बाद में गुण बिचारी। तो चलिए दोस्तों अभी मैंने अभी इसको क्या करेंगे, रिंग पैनल को ओपन किया जितने भी स्क्रूप था, उसके बाद मैंने देखिए यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा फिंगरप्रिंट का फ्लेक्स, ये देखिए मैंने अभी ओपन किया, ठीक है, फिंगरप्रिंट का फ्लेक्स। तो चलिए इसको साइड में रखते, तो अभी इसको बोर्ड को बाहर निकालेंगे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि देखिए इसको जो मिडिल फ्रेम है फ्रेम को सीधा करेंगे, ठीक है। चलिए आराम से मैंने बोर्ड को बाहर निकल लेते हैं यहाँ पे देखिए, और आप लोग देखिए कोई टेंशन भाई, इसको मेरा वीडियो देख रहे थे आप लोग, देखिए जस्ट कोई मिडिल फ्रेम इसको देखिए टेढ़ा हो गया, सीधा करने का कोशिश कीजिए, उस टाइम देखिए आप बोर्ड को बाहर निकल लीजिए, ठीक है, बैटरी को ऐसे रहने दीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता ना मिडिल फ्रेम जो कास्टिंग का होता ना टूटने का चांस मैक्सिमम ज़्यादातर होता है टूटने का चांस, इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिए बैटरी को ऐसे रहने दीजिए, आप लोग ऐसे इसको सीधा कीजिए, देखिए मैं अभी करता हूँ, देखिए मैंने बहुत सारे वीडियो भी आप लोग शेयर भी किया है, मैंने ट्राई भी करके ठीक भी किया, ऐसे सीधा के भी किया, ठीक है, बहुत बैंड था मॉल सीधा भी करके इसको डिस्प्ले पे सेटिंग किया, ये देखिए अभी देखिए हल्का हल्का बैंड है, इस साइड में भी सीधा हो जाएगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए बैटरी को ऐसे रहने दीजिए, बैटरी का रहेगा तो आपका सपोर्ट मिलेगा, जल्दी टूटने का चांस नहीं होता, ठीक है। तो चलिए मैंने आराम से अभी देखिए इसको साइड करते हैं, तो ये देखिए सीधा हो जाएगा, हल्का सा बैंड था सीधा तो हो ही जाएगा, चेंज करने का जरूरत नहीं है, ये जो मिडिल फ्रेम ये भी चेंज हो जाते हैं, मिडिल फ्रेम तो मार्केट में मिल जाते हैं, लेकिन अभी इसको चेंज करने का जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि देखिए अभी इसको मैंने सीधा करके सेट कर देंगे। तो चलिए मैंने अभी आराम से इसको सीधा कर लिया, हो गया, तो चलिए इसको हो गया, ठीक है। तो अभी चले मैंने अभी इसको डिस्प्ले को खोलते, उसके बाद फिर मात्र नेवल एलजी को सेटिंग करते, ठीक है। तो नेवल एलजी सेटिंग करने के लिए ज़्यादा हार्ड वर्क काम भी नहीं है, टाइम भी नहीं लगेगा इसको सेटिंग करने के लिए। तो चलिए दोस्तों अभी आराम से मैंने अभी यहाँ पे, तो चलिए इसको अभी क्या करेंगे, अभी देखिए डिस्प्ले तो उठा लिया, अभी ऊपर का जो देखिए रियर स्पीकर का जो जाली होता है ना ये भी टूट गया था, इसको आराम से खोल लेते, उसको भी सेट करना पड़ेगा। तो चलिए अभी साइड में देखिए थोड़ा सा क्लियर करके मैंने अभी एलसीडी को सेटिंग करते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी साइड में गाम लगाते हैं। तो देखिए डिस्प्ले चेंजिंग का वीडियो आप लोग जो दिख रहे हैं दोस्तों, देखिए डिस्प्ले चेंजिंग के लिए टाइम नहीं लगते हैं, आप लोग साथ वीडियो इसलिए शेयर कर रहे थे कि इसको देखिए मॉडल नया वाला इसका प्राइस कितना आएगा, ये चेंज करने के लिए देखिए प्राइस बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी ले सकते हैं, कौन सा दुकानदार क्या रेट ले रहे हैं इस लाइन में ना, इस लाइन में कोई सही प्राइस एक्जैक्टली आपका प्राइस प्रॉपरली ये सही इसको ये प्राइस ये नहीं हो सकते, मैं जो रेट ले रहे कोई टेंशन में 100 रुपये 150 रुपये 200 रुपये कम भी ले सकते हैं, कोई ज़्यादा भी ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मैंने आप लोग को इसको देखिए मैं आप लोग को जो प्राइस लिया डिस्प्ले को चेंज करने के लिए, इसको लिया मैंने 1500, ठीक है, 1500 1600 ऐसे कुछ प्राइस मैंने कस्टमर को लिया है दोस्तों, ठीक है, ऊपर का एक तो ग्लास भी लगा दिया था। तो 1500 में ये डिस्प्ले चेंज हो जाएगा आपका, देखिए जो मॉडल बोला था क्या मॉडल है इसको, देखिए K10 5G ओप्पो का मॉडल है, ओप्पो K10 5G। चलिए देखिए अभी इस डिस्प्ले को सेटिंग कर देते हैं यहाँ पे, देखिए उसका तो ऑन करके आप लोग को दिखा देंगे, यहाँ पे देखिए सेटिंग भी हो गया। चलिए दोस्तों ये देखिए, तो डिस्प्ले देखिए मैंने आप लोगों को देखिए क्राउन कंपनी का मार्केट में देखिए नाइस कंपनी का मेरे को नहीं मिला है, ठीक है, अगर नाइस का मिल जाएगा ना, नाइस का थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा हो सकता है नाइस कंपनी का, तो नाइस कंपनी बहुत बढ़िया क्वालिटी बनाता है डिस्प्ले का दोस्तों, ठीक है, नाइस कंपनी मान लीजिए आपका 1600 1700 1800 ऐसे कुछ 200 150 रुपये ज़्यादा लगता है नाइस कंपनी का दोस्तों, ठीक है, वो भी क्वालिटी बहुत बढ़िया बनाते हैं ओजी नाइस। चलिए देखिए आराम से अभी जो रिंग पैनल को ओपन किया तो भी सेटिंग कर लेते हैं यहाँ पे देखिए, और अभी यहाँ पे देखिए जो बैक ग्लास सब कुछ सेटिंग कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है, डिस्प्ले सेटिंग हुआ उसका फिर ऑन करके दिखाता हूँ आप लोगों। तो चलिए इसको देखिए अभी, तो दोस्तों देखिए इस मॉडल का देखिए मॉडल ओप्पो का मॉडल ओप्पो K10 5G मॉडल, डिस्प्ले कैसे मैंने चेंज किया, कैसे इसको मतलब सेटिंग किया, कौन सा डिस्प्ले सेटिंग किया, ये जो क्राउन कंपनी का जो आप लोगों को डिस्प्ले दिखा है ना क्राउन कंपनी का, ये डिस्प्ले बिल्कुल सही है, आप लोग बिना टेंशन में इसको ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसको आराम से बिना टेंशन में सेटिंग कीजिए, ठीक है, प्रेस को मैं आप लोग तो शेयर भी कर दिया। चलो उसको अभी ऑन करते, और ये वीडियो देखकर आप लोगों को अगर डाउट रहेगा तो कोई जाना चाहते तो बिल्कुल बिना टेंशन मेरे को कॉमेंट भी कर सकते दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आराम से अभी इसको ऑन हो रहा है, देखिए यहाँ पे ऑन हो जाएगा,
तो ये देखिए ऑन हो गया, ठीक है। तो जिस पे कंप्लीट सेटिंग भी हो गया। तो थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो पूरा देने के लिए। तो वीडियो देखकर आप लोग को जानकारी मिले, कोई सीखने को मिले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम।